नमस्कार, आइए देखिए उस ख्वाब को जिससे हसरतें पूरी हुई। बड़े सारे थॉट्स आते हैं जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं। सभी लोग बताते हैं कि जब भी मेडिटेशन करते हैं हमारा दिमाग शांत नहीं होता, इधर उधर की बातें बहुत आती हैं। तो क्यों ना इन थॉट्स को मिलाकर ही कुछ ऐसा करें जिससे कि अपनी हसरतों को पूरा कर पाए, अपनी ख्वाबों को मैनिफेस्ट कर पाए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं एक ऐसी टेक्निक, सबसे आसान टेक्निक जो आकर्षण के नियम से चलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलती है। एक ऐसी टेक्निक जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। शांत नहीं बैठा जाता, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो क्यों ना दिमाग में वो कुछ चलाए जिससे कि ख्वाब पूरे होने लगे। यस, आपको करना है मेडिटेशन शांत बैठकर। आप बैठ जाइए और जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, या कहीं विदेश विदेश घूमना चाहते हैं, जो भी आपका ख्वाब है, उस ख्वाब की एक पिक्चर बना लीजिए, छोटी सी फिल्म बना लीजिए, 10 मिनट की फिल्म। आप डायरेक्टर हैं अपनी लाइफ के, आपको याद है। तो आपने बना लेनी है एक फिल्म, उसमें हीरो भी आप हैं, राइटर भी आप हैं। आपने ही वो फिल्म लिखी है। जिस व्यक्ति से आपको शादी करनी है, अपनी शादी को होते हुए देखिए आराम से कि आपकी शादी हो रही है, ये आपने किया है, वो ड्रेस पहनी है, वैसा मेकअप किया है, शादी में लोग ऐसे ऐसे आए हैं, ये हो रहा है। उस चीज को इमेजिन करना है आपको। जो चीज हम इमेजिन करते हैं दिन रात, वही होने लगता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गहरा रहस्य है। जो चीज आप सोच रहे हैं वही आपके सामने आएगा। तो आपको क्या करना है, इस ख्वाब को बैठकर रोज 10 मिनट देखना है। आपको कभी कहीं भी सांस पे ध्यान नहीं लगाना, ना ही आपको कुछ चैंट करना है। आपको इस ख्वाब को देखना है। बैठ जाइए अकेले में और बहुत आराम से इसको एंजॉय करिए। इतना एंजॉय करिए कि एक वाव फैक्टर अंदर से आए, एक खुशी अंदर से झलकने लगे कि हाँ शादी हो रही है, मजा आ रहा है। इस तरह से तो आपको आराम से बैठकर इसको देखिए। बैठकर एक बार देख लीजिए, दिन भर जब भी समय मिले खुली आंखों से भी उस ख्वाब को देखिए। पर शर्त इसकी सिर्फ एक है, नियमित करना होगा। हमेशा नियमित रोज इस 10 10 मिनट इस ख्वाब को आपको देखना ही देखना है। चाहे बैठकर देखें और चाहे रात को सोने से पहले इस ख्वाब को देख लें, ये काम आपको जरूर करना है, नियमित करना है आपको। दूसरी चीज, कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस नहीं। जब आपने ये ख्वाब देखने लगे कि आपकी शादी हो रही है, तो फिर हो ही रही है शादी। उसमें कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस यूनिवर्स में मत भेजिएगा कि माता पिता तो तैयार नहीं है, कैसे होगा, अभी तो नहीं है, अभी तो जॉब अच्छा नहीं, कैसे शादी कर पाएंगे, कैसे होगी। ये सब कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस है। जब हम कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस भेजते हैं तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। आपने एक बार मैसेज भेजा कि आपकी शादी हो रही है, तो यूनिवर्स आपके लिए वो व्यक्ति, परिस्थिति, पैसा, हर चीज देने लगेगा जो शादी होने में जरूरी है। वो काम यूनिवर्स का है। अब ये सोचना आपका काम नहीं है कि कैसे होगा, ये उस पे छोड़ दीजिए आप। जिस दिन आप उस पे छोड़ देंगे कि जो करना है वो करें, मेरी तो शादी हो रही है, मेरी तो वो नौकरी मुझे तो मिल चुकी है, पर्टिकुलर नौकरी पानी है, तो उस नौकरी के ख्वाब को देखिए कि मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कॉल किया, मुझे बुला लिया, मैंने ज्वाइन किया। एंजॉय करिए उसको, इतना एंजॉय करिए कि आपको खुद को यकीन हो जाए कि हाँ ये हो रहा है। तो यकीन मानिए वो हो जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो इस तरह आपको मैनिफेस्ट करना है। जो भी चीज सोच लिया सो सोच लिया, उसमें इफ एंड बट्स नहीं। कैसे, क्या, कौन, कब, वो सब यूनिवर्स पे छोड़िए, वो उसका काम है, वो देखे कैसे वो करेगा आपके लिए। तो इस तरह से ख्वाब देखिए और जरूर आपका ख्वाब पूरा होगा। कुछ दिन में नहीं तो कुछ महीने में, कुछ महीने नहीं तो साल में, पर होगा जरूर अगर नियमित आप इसको करते रहे तो। इसको काम समझ के ना करिए, इसको एंजॉय करिए। जिस दिन आप इस ख्वाब को एंजॉय करने लगेंगे ना, वो ख्वाब आपके लिए हकीकत बन के सामने आने लगेगा। तो साथियों, ये है आकर्षण का एक बहुत ही पावरफुल नियम। जो चीज आप सोचेंगे वही चीज आपके सामने आएगी। तो जो आप दिन रात सोच रहे हैं वही होगी। आपने दिन रात अपनी शादी सोची है तो दिन रात तो आपकी शादी ही होनी है। पर्टिकुलर नौकरी सोची है तो वही होगा। तो ये है एक नियम, एक मैनिफेस्टेशन का तरीका जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं। कुछ भी पाना इससे असंभव नहीं है। जो भी आपकी विश है, अपनी विश को एक फिल्म की तरह बनाइए और इस ख्वाब को देखना शुरू कर दीजिए।
इस तरह से हम मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ और जानना समझना चाहे कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।